हेलो एवरीवन, आज जो है हम अपना नॉलेज एंड क्यूरिकुलम डेवलपमेंट सब्जेक्ट का जो लास्ट यूनिट चल रहा है, फोर्थ यूनिट, जिसमें लेक्चर नंबर 3 में जो है हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑफ क्यूरिकुलम के अंतर्गत सिस्टम एनालिसिस मॉडल। ठीक है, इससे पहले जो है हम ग्रास रूट मॉडल को पढ़ चुके हैं और इसमें जो है आपके सब्जेक्ट के अंदर 3 मॉडल हैं बेसिकली, जिसमें से कि सेकंड जो है हमारा ये है सेकंड सिस्टम एनालिसिस मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल है ये जो है एक ऐसा मॉडल है जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मॉडल है शिक्षा के क्षेत्र में और वर्तमान समय में भी जो है उसका काफी प्रयोग हो रहा है। अब जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को हमने किस प्रकार से नियोजित करना है और नियोजित स्तर काफी हद तक जो है वो इंस्ट्रक्शनल मीडिया का जिसके अंदर प्रयोग किया जाए तो बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है, और पाठ्यक्रम के निर्माण में जो समझ और जिस योजना की हमें जरूरत पड़ती है उसको क्या है, उसको जब हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं, ठीक है, तो जो है ये सिस्टम जो है सिस्टम एनालिसिस के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। बेसिकली ये जो शब्द है इंजीनियरिंग शब्द से लिया गया है, और जो प्रोग्राम इसके अन्य नाम अगर देखें तो प्रोग्राम प्लानिंग मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, और पीपीबीएस मॉडल के नाम से भी इसको जो है वो हम जानते हैं। ये जो मॉडल है स्टूडेंट्स, ये जो है उन तकनीकों की उसको सुझाव हमें देता है जो को क्या है जो कि हमारे जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करने में हमारी मदद करे और व्यवहार में हम इनको लागू कर सके। ठीक है, और व्यवहार में लागू करने के साथ ही साथ हम उनका मूल्यांकन भी कर सके। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो सारी इस मॉडल के अंदर इंक्लूड हैं। अब जो ये सिस्टम शब्द है या सिस्टम एनालिसिस शब्द है, ये शब्द क्या है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की अवधारणा पर आधारित है, क्योंकि ये जो मॉडल है बेसिकली क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की अवधारणा पर आधारित है, इसलिए थोड़ा सा जो है वो क्या है ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पर आधारित मॉडल इसको हम कहेंगे। और इनकी जो डेफिनेशन अगर देखी जाए तो देखिए RL Eckhoff ने कहा है कि ए सिस्टम इज द सेट ऑफ क्या, ए सिस्टम इज द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इनर डिपेंडेंट एलिमेंट्स की जो है क्या है ये इंटर रिलेटेड भी है। ये सिस्टम क्या होता है, जब कोई सिस्टम होता है वो बहुत सारे खुदों से मिलकर के बना होता है ना, हम जानते हैं इन चीजों को, और जब वो सारे एलिमेंट्स हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, तो ये इंटर रिलेटेड भी है एंड देन इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट्स की आपस में बहुत सारे तत्व जो मिलकर के जो है किसी चीज को बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो सिस्टम एनालिसिस शब्द है ये भी क्या है, लैटिन भाषा से लिया गया है सिस्टम शब्द, और ये सिस्टमा शब्द से बना है। ठीक है, और एनालिसिस का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज को एनालाइज करना, टू स्टडी स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम को हम एनालिसिस कहते हैं, कि जब हम किसी भी चीज को टुकड़ों में बांट करके जब उसका अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एनालिसिस कहा जाता है उसको। तो सिस्टम एनालिसिस क्या हुआ कि जब किसी भी सिस्टम को हमने उसको छोटे छोटे भागों में जब उसको स्टडी किया और उन सबको जोड़ करके जो एक 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 प्रॉपर प्लान जिसका करिकुलम का हमने बनाया उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी है RL Eckhoff ने, इन्होंने कहा कि ये सिस्टम इज द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट्स। देन देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि स्टेप्स की, कि कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिनसे जो है ये जो सिस्टम है वो काम करता है। सबसे पहले ये जो स्टेप्स है, स्टेप्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस अप्रोच, ये जो सिस्टम है इसको देखिए अप्रोच का नाम भी दिया जाता है कि ये जो है एक सिस्टम ना होकर के बल्कि एक तरह की क्या है, क्यूरिकुलम अप्रोच है। अप्रोच, अब देखिए अप्रोच क्या है, अप्रोच ये वो चीज है जो कि किसी भी बेसिक जो समस्याएं हैं उनको सुलझाती है, सुलझाने का प्रयास करती है, और इसे समाज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई क्यूरिकुलम लागू होता है, कोई क्यूरिकुलम हम किसी खास तरह के बच्चे के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो उस क्यूरिकुलम को लागू करते हैं लेकिन फिर भी क्या है कि कई बार कुछ एक ऐसी खामियां या कुछ एक ऐसी कमियां उसके अंदर रह जाती हैं जिनको कि क्या है, हम आगे उनको जो है वो नेक्स्ट अप्रोच के जरिए या नेक्स्ट उसमें थोड़ा सा
इवैल्यूएशन करके, सुधार करके उसका खुद दोबारा से लागू करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी इसी तरह का एक सिस्टम अप्रोच है जो कि हमारी जो कमियां हैं उन या जो प्रॉब्लम्स क्यूरिकुलम में आ रही हैं उनको दूर करके उनकी जगह जो है वो नया जो क्यूरिकुलम बेस उसके लिए तैयार किया जाए कि एक खास तरह के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहते हैं कि जो विद्यार्थियों के लिए उसकी उपलब्धि को कंप्लीट सेट तैयार किया जाएगा, इसके लिए उसको क्या करेंगे, स्पेशलाइजेशन उसका करेंगे कि किस तरह के बच्चों को हमने देना है, किस तरह के बच्चों के लिए क्यूरिकुलम हमने बनाना है, उस लेवल को हम सबसे पहले जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट, उन जो अचीवमेंट्स बच्चे से हमने लेनी है या जिन अचीवमेंट्स के लिए बच्चा काम कर रहा है उनको मेजर कैसे करें, मेजर करने के लिए कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किया जाए उनका हमें पता लगाना, और फिर क्या है जो बच्चे का एंट्री बिहेवियर है किसी भी कोर्स के अंदर, किसी भी क्यूरिकुलम के अंदर, और जो बच्चे का क्या है एक्सटर्नल बिहेवियर, टर्मिनल बिहेवियर सॉरी, जिसको हम कहेंगे कि जो एक बच्चे का क्लास में किसी भी कोर्स का जो पढ़ता है, क्यूरिकुलम को पढ़ता है, तब उसका जो व्यवहार होता है, और दूसरा क्या है जब उसको काम को उसकी उस कोर्स को खत्म करके, क्यूरिकुलम को खत्म करके उसका जो टर्मिनल बिहेवियर आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो इस चीज को चेक करना, दोनों की आपस के अंदर तुलना करना, ये भी क्या है, ये जो सिस्टम अप्रोच एनालिसिस अप्रोच के अंदर आता है। फिर इसमें है कि एक विकल्पिक डिजाइन तैयार करना, अल्टरनेट तैयार करना कि जो प्रॉब्लम्स आई हैं जो अचीवमेंट्स के अंदर उसके लिए क्या विकल्प हम अब जो है वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे अगर हम देखें जिसको थोड़ा सा जो है इसके अंदर कुछ एक स्टेप्स जो हम फॉलो कर सकते हैं, वो सबसे पहले हमारा रहता है इनपुट। इनपुट के अंदर हम पहले बच्चे को क्यूरिकुलम देते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद हम प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग में क्या है, प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो क्यूरिकुलम पढ़ाने के बाद क्या होगा, जिसमें पढ़ाते इसमें क्या है, विभिन्न सारे जो है वो टॉपिक्स हम बच्चे को देंगे, बहुत सारे जो है वो टीचिंग मेथड्स हम बच्चे के सामने रखेंगे, और एक टाइम पीरियड के बाद हम बच्चे का क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे। अब आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट हम कैसे लेंगे, बाय द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के जरिए हम उसको लेने का प्रयास करेंगे कि बच्चे ने जो है वो वर्ष भर क्या पढ़ा, क्या उस क्यूरिकुलम से उसकी अचीवमेंट्स हुई, क्या उसको उसका रिजल्ट आया, वो क्या हो गया, इनपुट प्लस आपका जो है वो प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर शामिल रहती हैं। तो जो फिर हम दोनों का देखते हैं कि जो टर्मिनल बिहेवियर है और जो एंट्री बिहेवियर है दोनों के बीच में क्या अंतर आया, और जब जो दोनों के बीच में अंतर आया उसके लिए हम बेस्ट सॉल्यूशन क्या निकालें, हैं बेस्ट सॉल्यूशन क्या निकालें, बेस्ट जो है वो अल्टरनेटिव कैसे पता चलेगा हम, जब दोनों चीजों का हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सिस्टम एनालिसिस मॉडल, और इस मॉडल में जो है कुछ एक स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले जब हम इस मॉडल की बात कर रहे हैं स्टेप की, उसमें हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग द टास्क एंड आइडेंटिफाइंग ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमारी जो समस्या है मेन जिस पर हम काम कर रहे हैं, कौन से टास्क में हमें प्रॉब्लम आई है, हम उसकी पहचान करेंगे, और पहचान करके क्या है स्पेसिफाइंग द प्रॉब्लम इन अर्जेंट वर्ड्स, उसको हम क्या करेंगे स्पेशल शब्दों के अंदर उनको परिभाषित करेंगे कि इन दिस सेक्टर वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी वो टॉपिक हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, एनालाइजिंग द सिचुएशन, कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है, किस तरह के बच्चों को हमने क्यूरिकुलम दिया, क्या प्रॉब्लम बच्चों को वहां पर आई, और पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो हमें किस लेवल के बच्चों के लिए करना है। सबसे मेजर दिक्कत यही होती है कि हम जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस या लेवल वगैरह का में क्या है कहीं ना कहीं हमसे जो है वो मेंटेनेंस नहीं हो पाती है, चूक हो जाती है। तो वहां पर हमें इस चीज को देखना है कि व्हाट इज द सिचुएशन, एंड जो सिचुएशन है उसको किस तरह से हम कंट्रोल करें बाय द न्यू क्यूरिकुलम एंड बाय द सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। ठीक है, देन हम इसमें बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फिर हम देखते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के जो हमारा क्यूरिकुलम है वो काम है करता है, जो हमारी बेसिक सिचुएशन है, जो खास जो है हमारी स्थिति है, उस स्थिति की जांच करने के बाद ही हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो निर्धारित होते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो किसी भी क्यूरिकुलम को लागू करने की में बहुत अधिक अपना रोल प्ले करती हैं। तो इससे जो हमें जो अपने जो डिजायर्स ऑब्जेक्टिव्स जिसको हम कहते हैं कि जो वांछित उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं उसकी पहचान हम यहाँ पर करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफाइंग द मटेरियल एंड मेथड एंड इनपुट अवेलेबल कि जो किसी भी क्यूरिकुलम को लागू करने के लिए क्या है स्टूडेंट स्पेसिफाइंग द मटेरियल क्या क्या चीजें हमें चाहिए क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए उसको पूरा करने के लिए किस लेवल के लिए बच्चों को हमने बनाया है किस बच्चे की जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है कहाँ जो है हम इसको कैसे लागू करें और क्या वो मटेरियल हमारे पास है या नहीं है इन चीजों का हम यहाँ पर ध्यान करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे जो क्यूरिकुलम हम बनाएंगे उसको किस मेथड से हमने पढ़ाना है ये भी हमने देखना है और कौन सा मेथड जो है वो एप्रोप्रिएट रहेगा एक एप्रोप्रिएट मेथड जिसको हम कहते हैं ना शिक्षण विधियां कहते हैं है ना तो जो क्या जो सार्थक होगी जो दिन परिस्थितियों के अंदर जिनके जो है मैक्सिमम रिजल्ट आए ऐसी विधियों का हम प्रयोग करेंगे और वो क्या है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम होनी चाहिए और जो टीचर है जो जो इस काम को करवा रखा है उसको भी क्या है इस चीज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस मेथड का भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह की कंडीशंस के अंदर हमें किस तरह का मेथड्स प्रयोग करना है और इसके साथ ही साथ क्या है इनपुट अवेलेबल जो आपके पास इनपुट के रूप में जो साधन आपके पास अवेलेबल है बच्चे को शिक्षित करने के लिए बच्चे को जो क्यूरिकुलम आपने जारी किया है जो उसको लागू करना है उसके लिए क्या है स्पेसिफाइंग द मटेरियल मेथड एंड इनपुट अवेलेबल जो है उन चीजों को भी आपने क्या करना है साथ ही साथ ध्यान यहाँ पर रखना है उनकी पहचान आपने करनी है फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोटोटाइप डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोटोटाइप डिजाइन सिलेक्शन फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मींस टू से क्या कि जो आपने आपके पास मटेरियल है आपने चुनाव कर लिया उसका आपने अप्रोप्रिएट वीडियो का भी चुनाव कर लिया उसके बाद जो आपके पास इनपुट अवेलेबल थे वो भी आपने देख लिए अब आपने क्या करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोटोटाइप डिजाइन एक आपने डिजाइन बनाना है प्रोटोटाइप का मतलब क्या हुआ कि जो एक नियम के अकॉर्डिंग या नियमावली को ध्यान में रखते हुए आपने एक डिजाइन बनाना है एंड देन सिलेक्शन द बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और जो सबसे ज्यादा उपयुक्त सॉल्यूशन जो आपको मिले वो आपने क्या करना है यहाँ पर ध्यान है उसका रखना है अब जो प्रोटोटाइप डिजाइन आप बनाएंगे उसमें क्या है सबसे पहले जो सबसे अच्छा हल होगा वो आपने चुनाव करना है इसी का जो निर्माण है वो क्या है समस्या को ध्यान में रखते हुए आपने करना है तो ये हमारे जो मेन स्टेप्स हैं इसके अलावा भी दो स्टेप और हैं जो मैंने आपको भी करवाने हैं सबसे पहला स्टेप था इसमें आइडेंटिफाइंग दी टास्क एंड आइडेंटिफाइंग ऑफ दी प्रॉब्लम फिर है आपका स्पेसिफाइंग दी प्रॉब्लम इन दी ऑब्जेक्ट वर्ड्स एंड देन एनालाइजिंग दी सिचुएशन देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइंग दी मटेरियल मेथड एंड इनपुट अवेलेबल नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोटोटाइप डिजाइन एंड सिलेक्शन फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपका ये आपके कुल मिला के 6 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए हैं जिसमें कि आपको जो है वो क्यूरिकुलम की जो प्रोसेस है उसमें कैसे आपने अल्टरनेटिव डिजाइन तैयार करना है ये मैंने आपको बताया सातवां जो पॉइंट आपका है वो है टेस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टेस्टिंग ऑफ Testing of best alternative design or solution कि जो आपने best solution तैयार किया उसका जो है आपने क्या करना है यहाँ पर आपने इसको टेस्ट करना है अब कि किन जिन परिस्थितियों में हमें इसके लागू करने की जरूरत है वहां पर वो हम इन परिस्थितियों में ये टेस्ट देते हैं और वहां पर लागू करते हैं अर्थात समस्या पर लागू करके देखा जाता है और जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण हुआ है नए पाठ्यक्रम का उसको यहाँ पर हम क्या करते हैं लागू करते हैं नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एनालिसिस की एनालिसिस जो पाठ्यक्रम हमने बेस्ट अल्टरनेटिव को डिजाइन किया उसको टेस्ट किया टेस्ट करने से टेस्ट करके हम क्या करेंगे उस चीज को एनालाइज करेंगे उस चीज का इवेल्युएट हम करेंगे कि जो प्रोटोटाइप डिजाइन हमने समस्या समाधान के लिए बनाया
क्या एक्चुअली में वो समस्या का समाधान कर रहा है? यदि कर रहा है तो कितना कर रहा है, और यदि नहीं कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम उसको जो है दोबारा डिजाइन उसका बनाएंगे। ठीक है, अगर हुआ है उद्देश्य पूरा तो कौन सा उद्देश्य हमें पूरा हुआ है और किन उद्देश्यों में उस डिजाइन में जो है वो अपना काम है सही से किया है, इस चीज को एनालाइज करेंगे। लास्ट में जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर इम्प्लीमेशन इसकी करेंगे, लागू उसको हम कर देंगे। इम्प्लीटेशन या इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। लागू करने के लिए क्या है, परिणाम यदि हमारे पक्ष में आते हैं तो हम इसको लागू करते हैं, और इस डिजाइन को क्या है पाठ्यक्रम को हम लागू करते हैं, और लर्नर के द्वारा जो है क्या है हर स्टेज पर हम इसमें क्या करते हैं फीडबैक प्राप्त करते हैं। क्योंकि फीडबैक क्या होती है कि जब हम किसी भी काम को करते हैं तो वो किन परिस्थितियों में किन बच्चों ने कितना हमको समझ आया, कितना जो है वो सीखे, कितने हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य पूरे हुए, और हमारे जो करिकुलम जो हमने डेवलप किया उसके उद्देश्य हमारे कहाँ तक पूरे हुए, इन चीजों को जब हम एनालाइज करते हैं तो वो फीडबैक जो है फिर हम बच्चों से लेते हैं कि हाँ जी हमारे उद्देश्य जो है हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक पूरा हुआ है। ठीक है, हम प्रोटोटाइप को क्या करेंगे, जैसे हम इसको शो करें तो इसको एक डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप और इसमें क्या है, हमने क्या किया, टेस्टिंग किया इसको। टेस्टिंग के बाद क्या होगा, प्रोटोटाइप किया, प्रोटोटाइप को टेस्टिंग करके क्या है न्यू प्रोटोटाइप हमने बनाया। एनालाइज किया, यहां पर क्या है न्यू प्रोटोटाइप, क्या करते हैं हम नया प्रोटोकॉल बनाते हैं, नया प्रोटोटाइप क्यूरिकुलम हम बनाते हैं। क्योंकि एक बार बनने के बाद क्या है टेस्टिंग होती है, अगर टेस्टिंग में हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य या जो हमारे क्यूरिकुलम के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसको एनालाइज करके देखेंगे, अगर नहीं तो क्या है नया प्रोटोकॉल बनाया जाएगा, और यदि हो गया तो क्या है इम्प्लीमेंटेड उसको कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट उस पर हो जाता है। इम्प्लीमेंटेड उसको कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रोटोटाइप डिजाइन बनाते हैं वो जो है क्या है हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का प्रयास करता है, और पाठ्यक्रम निर्माण के हमारे जो बेस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने का प्रयास करता है। और यदि डिजाइन को क्या है हम जो बेस्ट अल्टरनेटिव जो बनाते हैं उसको हम चुनाव करते हैं, अगर उसके रिजल्ट बढ़िया आते हैं तो उसको क्या है फिर हम उसको पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत उसको बना देते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मैरिट्स की, कि मैरिट्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस अप्रोच की क्या है। सबसे पहले अप्रोच की क्या है, ये जो है क्या है एक सिस्टम अप्रोच है, यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि जो ये हमारा जो सिस्टम एनालिसिस मॉडल है ये क्या है, ये एक सिस्टम पर आधारित है मेनली, जो कि एक एक प्रॉपर पैटर्न से काम करता है। इसमें जो है वो कहीं भी कहने का मतलब क्या है कि क्रमबद्ध तरीके से काम करता है, कोई स्पेसिंग इसके अंदर नहीं रहती है। ठीक है, सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से इसमें होता है और चरणबद्ध तरीके से होता है, इसीलिए इसको क्या है एक उपागम या अप्रोच का नाम भी दिया जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है इकोनॉमिकल, कि ये जो आपका सिस्टम अप्रोच है ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक है, मतलब कि आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है खर्चा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है। क्योंकि पहले आपके पास जो है वो क्या है, पहले आपके पास क्यूरिकुलम होता है, आपको जहां पर प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को जो नए सिरे से उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन उसके अंदर करना है तो ज्यादा इसके अंदर जो क्या है इकोनॉमिकली या ज्यादा बजट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और क्या है, और ये जो पाठ्यक्रम है इसके विकास में केवल उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाएगा जो हमारे पास अवेलेबल होंगे, है ना। आपको ध्यान भी होगा मैंने यहाँ पर एक पॉइंट आपको अभी करवाया था कि अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल रिसोर्सेज,
ठीक है, जो इनपुट हमारे पास जो भी है, जो मटेरियल हमारे पास है, हम उन्हीं को केवल ध्यान में रखते हुए जो है हम इस प्रोटोकॉल को जो है वो बनाएंगे। तो एंड नेक्स्ट इसमें आता है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, कि ये जो सिद्धांत है, सिस्टम अप्रोच का जो सिद्धांत है, ये क्या है, ये आधुनिकता पर आधारित एक अप्रोच है। क्योंकि जो देखिए सिस्टम शब्द ही क्या है, जो जो चीजें आईटी से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उनके अंदर बेसिकली क्या है, वो नवीनता पर आधारित होती हैं, है ना। तो नई नई जो खोजें हैं उनका पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ जैसा भी वातावरण है जो बदल रहा है हमारा, उसका भी यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो क्या है, इकोनॉमिक होने के साथ साथ क्या हो गया, ये आपका जो है वो फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल किस प्रकार से है, हम सब समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब जहाँ पर चेंजिंग की जो सिस्टम रहता है वहां पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये प्रोटोकॉल बना, प्रोटोकॉल को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद क्या किया, एनालाइज किया, है ना, एनालाइज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, और फिर न्यू प्रोटोटाइप जो है वो हमने बनाया, न्यू प्रोटोटाइप डिजाइन हमने बनाया, तो क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी हुई ना, कि जहां पर हमें कमियां मिली हमने क्या किया, उसमें चेंजिंग कर लिया, उसमें हमने बदलाव कर लिया, और अगर बदलाव कर लिया और बदलाव करने के बाद हमने क्या कर लिया, उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर दी हमने, है ना। तो ये चीजें क्या है, ये इसकी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाती है, और इसमें क्या है जो है हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जो है वो परिवर्तन इसमें कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करते हैं हम, कि ये क्या है, ये संकल्पना जो है वो हमें उपलब्ध कराता है, हमें जो है ये जो मॉडल है अन्य मॉडल से बेस्ट है, फिर भी क्या, और जो उन कमियां जो पहले वाले मॉडल्स हमने पढ़े हैं, जो हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल थे, उन कमियों में क्या है, उनमें सुधार करता है और बेस्ट तरीके से बेस्ट अल्टरनेटिव देता है, ठीक है, और जिसे क्या है प्रोटोटाइप डिजाइन के नाम से हम जानते हैं। तो ये इन संकल्पना जो फ्रेमवर्क है, ये हमें शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए जो क्या है बहुत अधिक सहायक है, क्योंकि शिक्षा को, शिक्षा के अंदर क्या है, शिक्षा और समाज जो है दोनों परिवर्तनशील चीजें हैं, है ना। तो उसमें जब हमें परिवर्तन करना है तो इस तरह के जो मॉडल हैं हमारे लिए बहुत अधिक कारगर साबित होते हैं। अब हम थोड़ा सा, ये तो होगी मेरिट्स की बात की, लेकिन फिर भी जहाँ पर इतनी सारी मेरिट्स हैं वहाँ पर कुछ एक डिमेरिट्स तो हर चीज की होती है, इस मॉडल की भी डिमेरिट है। पहली क्या है, कहता है कि कई बार जो हमारे ऑब्जेक्टिव इतने ऊंचे बना लेते हैं हम, कि जिनको पूरा करना जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है, और इसके लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा साधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो मॉडल है ये कहता है कि हम उन्हीं साधनों का प्रयोग करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो और इस प्रणाली में क्या है, हम लागत का पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, प्रबंध करने में और अनुमान लगाने में काफी जो है वो अंतर आ जाता है, क्योंकि तत्वों की जो प्रकृति है वो क्या है, वो गुणात्मक है, और कॉस्ट भी क्या है, कॉस्ट का पता जो है वो पहले नहीं लगाया जा सकता सारी चीजों की, क्योंकि जब हम किसी भी क्यूरिकुलम को लागू करते हैं तब जो है वो कॉस्ट हमारी क्या है, हमारे सामने आती है, ठीक है। इस तरह की कुछ कमियां हैं, उसके साथ साथ क्या है, जो हमारे इस तरह के जो मॉडल हैं, जो सिस्टम बेस्ड मॉडल हैं, अप्रोचेस हैं, इनको लागू करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्सपर्ट टीचर्स की कमी है, ठीक है, जो कि भारत जैसे देश में एक मेजर इशू है। तो वहां पर क्या है, हमें जो है सुयोग्य अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारे पास है अवेलेबल नहीं होते हैं। और क्या है, ये जो उपागम है, जो ये प्रणालीबद्ध उपागम है, इस तरह के उपागम में क्या है, पाठ्यक्रम विकास में इस तरह का जो थोड़ा सा क्या लगता है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस लगती हैं, इसलिए जो है वो इसमें रुचि कम लेते हैं, अध्यापक भी कम रुचि लेते हैं और बच्चे भी जो है वो कम रुचि लेते हैं। बेसिकली इसमें बच्चों का ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि जो क्यूरिकुलम बनाने का काम है, जो सिस्टम से चलता है सारा, उसमें एक्सपर्ट्स ही होते हैं, तो ये जो है इसमें रुचि नहीं लेते हैं। अब जो फाइनली कंक्लूजन है वो क्या निकल करके आया है, वो ये है कि पाठ्यक्रम विकास का जो ये प्रणालीगत उपागम जो है, ये एक नवीनतम और एक बेहतर उपागम है बजाय पुराने हमारे जो जितने अप्रोचेस हैं या जितने मॉडल हैं उनकी तुलना में। और क्योंकि क्या है, ये वैज्ञानिक विधि से काम करता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, और आप इसके अंदर जो है वो कई नई नई टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं, नए नए तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, और नए नए तरीकों का प्रयोग करके आप क्या है अपने क्यूरिकुलम के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, और उस परिवर्तन को आप एक्चुअली के अंदर लागू करके देख सकते हैं, उसका इवैल्यूएशन भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस प्रकार क्या है, ये जो है वो काफी कम समय में पूरा हो जाता है, जाने वाला काम है, और साथ ही साथ मितव्ययी भी है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का मॉडल का उचित प्रयोग करने के लिए क्या है, सुयोग्य जो हमारे टीचर्स हैं और जो संसाधन हैं
उनको अगर वो और ज्यादा हम एक्सपर्ट करें तो इस मॉडल को जो है बहुत अधिक बेहतरीन तरीके से जो है हम लागू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने सिस्टम एनालिसिस मॉडल को पढ़ा। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से आपको रिवाइज कर दूं कि ये जो सिस्टम एनालिसिस मॉडल है इसके अन्य नाम है प्रोग्राम प्लानिंग मॉडल, कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल, एनालिसिस मॉडल एंड पीपीबीएस मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। और ये क्या है, ये जो सिस्टम शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, ये इंजीनियरिंग साइंस से लिया गया है। इसीलिए क्या है, ये टेक्निकल जो है वो वर्ड है यहाँ पर प्रयोग होता है, क्रमबद्ध रूप से इसमें काम करते हैं, साइंटिफिक तरीके से इसके अंदर हम काम है करते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा सिस्टम एनालिसिस मॉडल।